क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिक्षा मंत्री के पक्ष में आरजेडी के नेता उतरे रोड पर, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। तेज रफ्तार बाइक ने मारी ठेला में टक्कर, बाइक सवार बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। बैंक उपभोक्ता बना साइबर क्राइम का शिकार, खाते से 2 लाख रुपए की हुई निकासी। भव्य कलश यात्रा की हुई शुरुआत, सभी वर्ग के लोगों ने लिया यात्रा में हिस्सा। पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव, सभी मतदाताओं ने किया वोट। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर सहरसा के जिला परिषद प्रांगण में आरजेडी के नेता व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस पर सूबे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा दिए विवादित बयान के पक्ष में घंटों बैठक कर जुलूस और पैदल मार्च करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आगे नहीं, सदियों से मनुवादी व्यवस्था के चलते इस देश के रहने वाले लोग अपमानित होते रहा। उन्हें खटिया पर, मचिया पर, पटिया पर, कुर्सी पर बैठने नहीं देता था मनुवादी विचार के लोग। रामचरित्र मानस यह एक बहाना है अभी देश में, और खास करके बिहार में जो जातिगत जनगणना की बात थी, जिस पर बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू कराई, इससे पेट में दर्द हो गया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के लोग को, संघ के लोग को। तो उन्होंने यह प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो बोले हैं दीक्षांत समारोह में, नालंदा दीक्षांत समारोह में, वह आप लोग भी, वह रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है वही बोला है, और आप लोग भी पढ़े हुए होंगे। ढोल पशु शूद्र अरु नारी, ये सब है ताजन की अधिकारी। बताइए ये कोई शब्द है, इसका मीनिंग और मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। हम लोग पूर्ण रूप से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के बयान को समर्थन करते हैं। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज एसएसबी कैंप के पास बेतिया की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार एक बाइक ने सड़क के किनारे ठेला में टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया रेफर कर दिया। खबर बेतिया से है, जहां एक बैंक उपभोक्ता अपने बैंक स्टाफ के दिए नंबर पर कॉल करने पर साइबर क्राइम का शिकार हो गया और उसके खाते से करीब 2 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। वहीं इस मामले में रियाजुद्दीन ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया।
दर्ज एफआईआर में बताया कि सोमवार को अपने क्रेडिट कार्ड माइंस की शिकायत लेकर एचडीएफसी बैंक नरकटियागंज पहुंचा था। बता दें पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। नालंदा जिला अंतर्गत रहुई थाना क्षेत्र इलाके के भदवा मोड़ के पास धान से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानल में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें हादसे के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सतकपुर ग्राम से चला आ रहा था ट्रैक्टर। अच्छा। अपना धान लेके किसान का था। अच्छा। धान लेके आ रहा था। अच्छा। और उसी बीच में रहुई से आगे कोई भदवा गांव है। अच्छा। भदवा गांव के नजदीक। अच्छा। आके एगो हाइवा ट्रक। अच्छा। झटका मार के निकल गया और को पैन में गिरा गिर गया। अच्छा। और बेचारा धान के गाड़ी के मेडी गार्ड पर बैठा हुआ था। अच्छा। उसी बीच में झटका से धान से दब गया। खबर वैशाली से है, जहां गोरौल के सतपुरा में कलश यात्रा निकाली गई और महावीर प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत सतपुरा गांव में 251 कन्याओं के द्वारा श्री महावीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत भव्य कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस कलश यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें ये यज्ञ 3 दिनों तक चलेगा। ये हनुमान जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है जी। 3 दिवसात्मक है, त्रिदिवसीय जी। इसका आज कलश यात्रा जो है भव्य रूप से निकाला गया और कलश यात्रा के उपरांत पंचांग पूजन की जाएगी और शाम को वेदी निर्माण आदि आदि कृत होंगे। यज्ञ जो है समस्त जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। यज्ञोपी तस्य जनता ही कल्प्यते, इससे समस्त प्रकार का कल्याण होता है, धर्म के प्रति जागृति होता है, धर्म में आस्था बढ़ता है, इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। खबर भागलपुर से है, जहां पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, जिसमें सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते दिखाई दिए। वोटिंग को देखते हुए बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं चुनाव के दौरान कई सिपाही बौंसी भी एमपी दरभंगा में ट्रेनिंग में गए हैं, जिन्हें मतदान करने के लिए बॉक्स भेजा गया। बता दें वहां से बॉक्स आने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और सभी लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं। किस चीज़ का वोटिंग? ये पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए वोटिंग चल रहा है। वोटिंग जो हो रहा है ये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के मैंने पदाधिकारी का वोटिंग हो रहा है। ये 7 बजे से 5 बजे तक वोट होना है, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। और इसमें पद के लिए है, जैसे अध्यक्ष पद के लिए है, अध्यक्ष पद में 2 टाई सीट बना है, दो उम्मीदवार हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए है, उपाध्यक्ष पद में भी 2 उम्मीदवार हैं। खबर नालंदा से है, जहां गोदाम में आग लगने से करीब 25 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं घटना के संबंध में बताया गया कि सुबह घर में ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम में अचानक आग लग गई और धुएं की लपटें बाहर निकलने लगी, जिसके बाद गृहस्वामी की नींद खुली, तब जाकर अग्निशमन को सूचना दी गई, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से गोदाम के शटर को तोड़ा गया। इसके बाद मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in
देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाए हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन, आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव। काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आशियाना। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने चेवर का लाभ उठा टिल पर शकाब बना रहे शराब तस्करों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया। अब पुलिस ने चेवर का टिल पर चल रहे 5 शराब भट्टियों को आग के हवाले करते हुए 6,000 लीटर तैयार घोल शराब को विनिष्ट किया। वहीं पुलिस की भनक लगते ही भागने में सफल अपराधी मौके से फरार हो गए। खबर नवादा से है, जहां जिले के कादिरगंज बाजार स्थित एक वस्त्रालय में देर शाम आग लग गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया और साथ ही घर में रह रही महिला ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मकान में 7 लोग मौजूद थे, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। देश स्तर पर किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने चौसा में किसानों से जाकर मुलाकात की और कहा कि आंदोलन असल में तब शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले ना बरसाए जाएं, तब तक कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिना शहादत के आंदोलन नहीं होता। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। एक तो काम ठीक करा इसने, हमने इनको सलाह दी थी कि इसको छोड़ दे। ये जो बीजेपी सरकार है, जो इसके नज़दीक पहले रहता है उसको मारती है। ये पूजा पाठ करने वाले तो हैं, लेकिन जिसमें बलि प्रथा वाले लोग हैं, ये सबसे पहले जो नज़दीक होता है उसको मारते हैं। ये मुक्ति पा गया इससे, लेकिन किसानों की बलि मरते हैं। खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव थाना क्षेत्र में एसटीएफ और कहलगांव पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया, जिसमें 10 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ साथ हथियार बनाने वाली विभिन्न सामग्री भी प्राप्त की गई। छापेमारी में 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गई है, तो वहीं कहलगांव DSP शिवानंद सिंह ने बताया कि सभी अपराधी का पुराना इतिहास है, जिनका पूरा आपराधिक ब्यौरा खंगाला जा रहा है। भागलपुर पुलिस तथा एसटीएफ टीम द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में मिनी गन बनाने का सामान बरामद हुआ है। साथ ही साथ 10 अर्धनिर्मित पिस्टल मिला है, उसमें संलिप्त 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
खबर बेतिया से है, जहां अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। नरकटिया गंजरेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि चलती ट्रेन में प्रसव के दौरान अन्य महिला यात्रियों की मदद से सुरक्षित प्रसव कराई गई। जन्म के बाद नरकटियागंज जंक्शन पर रेल मेडिकल टीम की ओर से प्रसूता को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तथा अस्पताल की ओर से आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। हालांकि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ जांच के बाद ट्रेन का परिचालन कर दिया गया। यात्रियों के द्वारा सूचना मिली थी कि एक बच्ची का जन्म हुआ है अंत्योदय एक्सप्रेस में। उसकी सूचना मिलते हुए हमने सबसे पहले डॉक्टर रेल अस्पताल के डॉक्टर अशोक कुमार उनको सूचना दिया और अपने पूरा टीम के साथ जीआरपी आरपीएफ वगैरह टीम के साथ वहां पहुंचे और उक्त बच्ची स्वस्थ थी। उसका समुचित इलाज कराते हुए इलाज करवाया गया। उनके परिजन से बधाई दी और बधाई दे करके और समुचित इलाज कराते हुए उन्हें प्रस्थान करवाया गया। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज सहोदरा मुख मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में महिला को अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। वहीं इस मामले को लेकर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर मुकेश ने बताया कि गहमा गहमी के बीच परिजनों को गलतफहमी हो गई। महिला की मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। जी, वो राशन लेने आई थी, वही रोड क्रॉस कर रही थी घर जाने के लिए ना, तो इधर से पंडे चौक से बाइक आया, उनको ठोकर मार दिया है और फिर वो भाग गया है। इनको लाया गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में आई है तो इनका इलाज हुआ है, इमरजेंसी वार्ड हुआ है। एम्बुलेंस डॉक्टर साहब बोले एम्बुलेंस लाओ तो इनकी डेथ हो गई है। इलाज के लिए लाया लोग गाँव का दो तीन आदमी, हम लोग सुने तो लोग आए तो यहाँ पे आए तो पता चला कि डेथ कर दिया। जो लड़का लेके आया उससे पूछे तो बोल रहा है कि यहाँ पे आए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है, आपको बेतिया रेफर करेंगे। जी हंगामा, वो लोग जो हम लोग को लिख के दिया उस पर लिख रहे हैं लोग लोग मरा हुआ लाया गया है, क्योंकि फौरी लोग बोले कि नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए कि इमरजेंसी है, बेतिया रेफर करेंगे। इमरजेंसी में एक कौशला देवी 65 साल की आई थी, बच्चों की ब्राउज डेथ थी, तो हम लोगों ने उनको डिक्लेयर किया है और आगे का जो प्रोसेस है वो सब हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं। कैसा मतलब आई थी तो यहाँ पहले से हम लोग वही तो बताया कि ब्राउज डेथ ही आई थी, तो उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस। अभी के लिए इतना ही। बिहार की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।